हेलो एंड वेलकम अगेन। आज की रेसिपी है धनिया और पुदीने के पत्ते की चटनी। बहुत ही आसान तरीका है, सभी के घरों में बनती है और अगर इसमें कुछ ट्रिक्स ना अपनाया जाए तो ये पानी पानी हो जाता है। तो आज इसे आप मेरे तरीके से बनाएं, बहुत ही वेलवेटी और क्रीमी तैयार होगा। तो इसमें मैंने एक टेबल स्पून मूँगफली डाला है, एक टेबल स्पून भरकर लहसुन की कलियां डाली हैं। अगर आपको लहसुन कम पसंद है तो कम कर लो। मिर्च मैंने चार डाली है, यहाँ भी आप इसे कम या ज़्यादा पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने एक नींबू निचोड़ा है। इस चटनी को ब्रेड पर स्प्रेड करने से ब्रेड सॉगी नहीं होता और बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। ढेर सारी पत्तियाँ डालें, इसी का जायका बनता है। इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ दो टेबल स्पून पानी इस्तेमाल किया है। नमक स्वाद के अनुसार डालें और अगर आपको पसंद हो तो क्वाइन साइज़ अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़ीरा भी पसंद करते हैं तो ज़ीरा भी डाला जा सकता है। दो टेबल स्पून पानी मिला लें, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। दो टेबल स्पून पानी हमने फिर से डाला है, तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे ज़्यादा लिक्विड ही रखना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर लें। लीजिए, चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हुआ है। तो यही ट्रिक है कि मैंने इसमें मूंगफली का दाना मिलाया है। अगर आपके पास मूंगफली का दाना ना हो तो इसमें चने का भूंजा डाल सकते हैं, या स्प्लिट दाल भी आती है जो कि भुनी हुई होती है, वो ख़ास चटनी वाली दाल कहलाती है, वो डाल लें। अगर वो भी ना हो तो हल्दीराम की बेसन वाली भुजिया एक टेबल स्पून डाल लें, आपकी चटनी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसे बनाएं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको चटनी पसंद आए तो अपने कमेंट हमारे साथ शेयर करें। नए विजिटर्स हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।